नमस्कार दर्शकों, हमने अपने चैनल में आप सभी लोगों को रुद्राक्ष पहनने के अनेकों फायदे बताए हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को रुद्राक्ष पहनने के फायदे के साथ साथ रुद्राक्ष पहनने के नुकसान बताऊंगा और हमें रुद्राक्ष क्यों धारण नहीं करना चाहिए, किन लोगों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, रुद्राक्ष पहनने से हमें क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। हाँ, बिना यह वीडियो देखे रुद्राक्ष मत पहनना मित्रों, आपको भयंकर नुकसान हो सकते हैं। क्यों हमें रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए आई मैं विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अगर आप भी भगवान शंकर जी को मानते हैं, रुद्र को मानते हैं, तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना, ताकि वह भी रुद्राक्ष की पूरी तरीके से बिना जानकारी के अभाव में, बिना जानकारी होने की वजह से रुद्राक्ष ना पहने, क्योंकि बहुत सारे मुसीबतों को हमें जो है सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं रुद्राक्ष पहनने के सबसे पहले फायदे। तो रुद्राक्ष पहनने से जो हमारे शरीर होता है, जब बीमारी वाला शरीर क्यों ना हो, शरीर स्वस्थ हो जाता है। रुद्राक्ष पहनने से हमारे शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, शरीर में शिव शक्ति बसते हैं। जी हां मित्रों, हमारे शरीर में शिव शक्ति बसते हैं, शिव अंश आ जाते हैं। रुद्राक्ष पहनने से हमें अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाव होता है, हमें अकाल मृत्यु नहीं आता, साथ ही हमें दुर्घटना से बचाव होता है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण किए होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जो व्यक्ति रुद्राक्ष पहनते हैं उन्हें अत्यधिक हर कार्य में सफलता मिलती है, ऐसे कोई कार्य ना हो जिसमें उनको सफलता न मिले। लक्ष्मी सिद्ध होती हैं, शरीर में एक अलग ही प्रकार का ऊर्जा का संचार होता है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें एक बार जरूर पूछना, ओरिजिनल रुद्राक्ष होना चाहिए, एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में निरंतर होता रहता है। भूत प्रेत पिशाच एवं जो चंडाल शक्तियां हैं, इससे हमेशा हमारे बचाव होता है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष पहने होते हैं उनसे दूर भागते हैं भूत प्रेत, जो चंडाल शक्तियां हैं ये। आइए जानते हैं अब रुद्राक्ष पहनने के नुकसान। तो देखिए, जो व्यक्ति रुद्राक्ष पहने होते हैं ऐसे व्यक्ति को तुलसी के पौधा को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी और शिव एक दूसरे का घोर शत्रु हैं। इसके साथ ही जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण किए होते हैं ऐसे व्यक्ति जो है तुलसी के पवित्र माला नहीं पहन सकते, क्योंकि तुलसी के पवित्र माला और रुद्राक्ष एक साथ नहीं पहन सकते, क्योंकि जो तुलसी और शिव है ये एक दूसरे के घोर शत्रु है, क्योंकि तुलसी के पति जो शंखचूर्ण नामक दत्त है, इसका जो है वध भगवान शंकर ने किया था। इसके साथ ही अगर जो व्यक्ति मांस खाते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, इससे शिव दोष लगते हैं। एक और जानकारी कि शरीर हमेशा आप जो है रुद्राक्ष पहनेंगे तो पवित्र रखना जरूरी होता है, अन्यथा भगवान शिव के गण दंडित करते हैं। रुद्राक्ष पहनने के बाद हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच के राह पर चलना चाहिए। और मित्रों, इस कली काल में जो है झूठ ना बोलना ऐसा शब्द ही नहीं है, व्यक्ति जो है झूठ बोल ही डालते हैं। तो रुद्राक्ष पहनने के हमने आप लोगों को फायदा और नुकसान बताया, यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना। जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हो तो यह मंत्र एक बार सच्चे मन से जरूर सुन लेना, आपको सफल व्यक्ति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएंगे। नित्य अगर यह 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेते हैं, सुनते हैं, तो हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है 12 ज्योतिर्लिंग का नाम सुनने मात्र से या फिर लेने मात्र से हमारे दिन में किए गए पाप मिट जाते हैं और हमें अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते भगवान शंकर जी के यह 12 ज्योतिर्लिंग का नाम। इससे पहले मित्रों, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, कॉमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखना। आइए जानते हैं भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग का नाम। ओम श्री सोमनाथ, ओम श्री केदारनाथ, ओम श्री वैद्यनाथ, ओम श्री मल्लिका अर्जुन, ओम श्री महाकालेश्वर, ओम श्री भीमशंकर, ओम श्री घुमेश्वर, ओम श्री विश्वेश्वर, ओम श्री त्र्यंबकेश्वर, ओम श्री रामेश्वर, ओम श्री नागेश्वर, ओम श्री ओमकारेश्वर। इसके साथ ही मित्रों, अकाल मृत्यु और स्वास्थ्य लाभ के लिए अगर यह मंत्र सुन भी लिया जाए तो अकाल मृत्यु टल जाता है, तथा भगवान शंकर हमें वाहन दुर्घटना से, सांप बिच्छू के द्वारा जो अकाल मृत्यु होता है इससे बचाता है, अन्य प्रकार के जो अकाल मृत्यु होता है इससे भगवान शंकर हमें बचाता है और हमारे जो है उम्र को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर भयंकर से भयंकर अकाल मृत्यु का दोष किसी को लगा हो या फिर जो लोग अकाल मृत्यु के संज्ञा पे हो, ऐसे व्यक्ति को यह मंत्र अवश्य सुनना चाहिए, कैसा भी भयंकर मृत्यु क्यों न हो सुनने मात्र से टल जाते हैं। ओम हौम जुम शह, ओम भूर्भुवस्वः, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयामामृतात्। ओम भुवः भूस्वः, ओम सः जुम हौम ओम। इसके साथ ही मित्रों, शिव जी के इस पंचाक्षरी मंत्र को 5 बार जपने से हर इच्छा की पूर्ति होती तथा शिव जी की कृपा प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मित्रों, इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने मात्र से हमारी इच्छा की पूर्ति होती है। भगवान भोलेनाथ हमारे जो है सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं। निरंतर आप में से बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि पूजा का नारियल खराब निकले तो इसे क्या समझना चाहिए, शुभ समझना चाहिए या अशुभ समझना चाहिए। गुरुजी, इस बारे में एक जो है आप वीडियो बना करके विस्तार से बताइए। तो कई बार जब हम नारियल तोड़ते हैं पूजा में, भगवान को अर्पित करने के बाद जो हम नारियल तोड़ते हैं तो वह सड़ा हुआ निकल जाता है या फिर खराब निकल जाता है। तो शकुन शास्त्र में इसका क्या मतलब है, क्या पूजा में खराब नारियल निकलना अशुभ होता है या शुभ होता है, ये जानकारी बताएं। वही जानकारी मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। मित्रों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही भ्रम रहते हैं कि नारियल खराब निकले तो यह अशुभ होता है, दुनिया भर की जानकारी बोलते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को विस्तार से यह जानकारी बताने का प्रयास करूंगा। इससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर लेना, इस वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। तो देखिए, पूजा में जो नारियल खराब निकलते हैं तो इसके क्या मतलब होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि भगवान ने, पहला मतलब होता है कि भगवान ने सच्चे मन से आपके जो पूजा के माध्यम से जो आपने नारियल भेंट किए खराब निकले उसे स्वीकार कर लिए। भगवान जो है, अगर आप सच्चे मन से नारियल चढ़ाते हो खराब निकल जाते हैं, समझ जाइए कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया, भगवान ने आपका प्रसाद खुद स्वीकार कर लिया है। और हाँ, इस समय भगवान के सामने में जो भी आप इच्छा रखेंगे, जैसे कि पूजा के दौरान जो फोरे आपने नारियल खराब निकले तो इस समय भगवान के सामने में जो भी आप इच्छा रखेंगे वह इच्छा अवश्य पूरी होती है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। क्योंकि इस समय आपके मन, आपकी जो अवचेतन मन होते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं, भगवान से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे नारियल अगर पूजा के समय में खराब निकले तो इसे बांटना नहीं चाहिए, बल्कि जल में विसर्जित कर देना चाहिए, प्रवाहित कर देना चाहिए। आपकी पूजा के भाग अगर आप किसी को बांटते हैं तो अन्य लोगों को भी प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के नारियल को बांटना मत। इसके साथ ही ऐसे नारियल किसी पशु या जानवर को नहीं खिलाना चाहिए, यहाँ तक कि गौ माता को भी मत खिलाना, इससे दोष लगता है। अपार धन की प्राप्ति हर मनुष्य की चाहत होती है। अपार धन चाहने की इच्छा भी अपार होना भी जरूरी होता है। मित्रों, सिर्फ चाहने से धन नहीं मिलता, उसके लिए मन में तड़प होना भी जरूरी है। जैसे दरिद्रता है, गरीबी है, कर्ज से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, धनवान बनने के लिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को 10 उपाय प्रस्तुत करूंगा। जो उपाय आपको अच्छा लगे वह उपाय अवश्य करना। हम वही साधारण उपाय बताते हैं जो उपाय आप कर सके, इसलिए हमारे चैनल का नाम प्राचीन ज्ञान है। प्राचीन ज्ञान की वह हर जानकारी आप सभी तक पहुंचाने के प्रयास करते हैं जो कि समाज में नहीं बताए जाते। अगर आप भी चाहते हैं प्राचीन ज्ञान की इस प्रकार की विज्ञान अच्छे से जानकारी आपको भी मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। आइए जानते हैं, परमेश्वर के 3 रूपों में से एक भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा माना जाता है। ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। मित्रों, जो लक्ष्मी है इसे धन की देवी कहा जाता है। किस प्रकार लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए जिससे हमारे जीवन में धन का अभाव ना हो, आइए इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो मित्रों, विष्णु लक्ष्मी जी का बड़ा सा चित्र अपने घर में रखें और शालिग्राम की नित्य पूजा करें। जो शालिग्राम भगवान होते हैं इसके नित्य पूजा करें। पंचामृत के साथ में जो इसे स्नान कराए, साथ ही साथ चंदन आदि लगा करके उनकी पूजा करना चाहिए। घर में हमारे तेजी से धन योग आने लगते हैं, धन की प्राप्ति होते हैं। विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर के प्रति शुक्रवार को लाल रंग के फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने अगर कोई भी व्यक्ति 11 दिनों तक अखंड ज्योत जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो हम 101% स्टाम्प पेपर में लिख के गारंटी दे सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक पाएंगे। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान विष्णु का अभिषेक करने से भी, इस उपाय से भी माँ लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती हैं। और शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके जो आप अभिषेक करेंगे उस पानी को भगवान को अभिषेक करने के बाद जो है घर में छिड़काव करना चाहिए, इससे घर का वातावरण पवित्र बना रहता है और भगवान और माँ लक्ष्मी जो है रात्रिकालीन में प्रवेश करती हैं। इसके साथ ही मित्रों, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, 5.25 किलो आटा एवं 1.25 किलो गुड़ लेकर के दोनों का मिश्रण करके रोटी बना लेना चाहिए। और गुरुवार के दिन अगर सायंकाल गाय को खिलाया जाए, 3 गुरुवार तक यह कार्य किया जाए तो दरिद्रता समाप्त होती है। धन के देवी माँ लक्ष्मी को केवल धन का अधिकार है, लेकिन बांटने का अधिकार भगवान विष्णु जी को है, इसलिए इसे पालनहार कहा जाता है। भगवान विष्णु जी निर्णय करते हैं किसके किस्मत में कितना धन योग लिखा है, किसको कितना देना, यह निर्भर भगवान जो है विष्णु जी करते हैं, इसलिए गुरुवार के दिन यह उपाय अवश्य करना, बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। शुक्रवार को पीले कपड़े में 5 कौड़ी और थोड़ी सी केसर,
चांदी के सिक्के के साथ बांधकर तिजोरी या फिर धन स्थान पे रखने से भी लाभ होता है। इसके साथ ही थोड़ी सी हल्दी की गांठ भी रखने से भी धन योग हमारे कुंडली में बनता है, हमें जो है तेजी से धन की प्राप्ति होती है। और अगर हम तंत्र शास्त्रों के माने तो अपने तिजोरी में 10 के लगभग 100 से भी ज्यादा नोट रखना चाहिए। जेब में हमेशा कुछ ना कुछ सिक्के रखना चाहिए। कभी भी जेब को लक्ष्मी से खाली नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि नोटों को लक्ष्मी कहा जाता है। जिस स्थान में लक्ष्मी हो उस स्थान पे और भी लक्ष्मी खींचे चले आते हैं। इसलिए अपने पैकेट को या फिर अपने जो है अलमारी को कभी भी धन से खाली मत होने देना, नहीं तो आप जो है दरिद्र बन सकते हैं। अंतिम उपाय बताना चाहूंगा आप सभी दर्शकों को, प्रति शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती, सुगंधित अगरबत्ती घी का दीपक जरूर जलाए, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो धन प्राप्ति करने के लिए हमने अनेकों उपाय बताए हैं, जो उपाय अच्छा लगे उपाय जरूर करना। इस उपाय से आपको धन की भी प्राप्ति होगी, आपकी इच्छा की भी पूर्ति होगी, जीवन में जो आपकी परेशानी चल रही है वो परेशानी भी दूर हो जाएंगे। मैंने गुंजा के बारे में कई वीडियो बनाया है, इसके अंदर अलौकिक शक्ति पाया जाता है। जय मित्रों, गुंजा प्रायः 5 प्रकार के होते हैं, सफेद, हरा, पीला, काला और लाल। इसमें सफेद और काले कलर की जो गुंजे हैं ये तंत्र में बहुत ही ज्यादा प्रयोग करते हैं। अधिकतर लोग जो है कार्यों की सिद्धि करने के लिए, कार्यों की सफलता प्राप्त करने के लिए गुंजा के अनेक चमत्कारिक प्रयोग करते हैं। बहुत सारे इसका चमत्कारिक प्रयोग होता है, इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। छोटी सी वीडियो बनने वाली है 3 मिनट का, इससे फिजूल के वीडियो आप जो है दोस्तों इधर उधर की कॉमेडी देख देते हैं। ये जो वीडियो है ज्ञानवर्धक वीडियो, इस प्रकार की जानकारी हमेशा बाद में चल करके काम आते हैं। कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते तो इसमें आपको नुकसान होते हैं, अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं गुंजे के चमत्कारिक फायदे। तो मित्रों, गुंजा को धनदायक कहा जाता है, इसलिए अधिकतर लोग दीपावली की रात्रि या फिर होली की रात्रि में इसके जड़ की पूजा करके धन स्थान पर रखते हैं। अगर धन स्थान पर इसके जड़ रखा जाए तो ये धन को आकर्षित करता है, लक्ष्मी को आकर्षित करता है और लक्ष्मी की आवक तेजी से हमारे घर में बढ़ा देता है। इसके जड़ घर में अगर पूजन स्थान पर रखा जाए और अगर इसका नित्य दर्शन किया जाए तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दूसरा इसका चमत्कारिक प्रयोग, मित्रों प्राचीन तंत्र शास्त्रों के अनुसार इसके जड़ को घिस करके शहद के साथ नेत्रों पर लगाने से देवी देवता और दिव्य शक्तियां दिखाई देने लगती हैं। जो साधारण आंख से देवी देवता दिखाई नहीं देते वह इसके लगाने के बाद बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ ही मित्रों, सफेद गुंजा की जड़ को काला अंकोल के तेल के साथ घिस कर नेत्रों में काजल की भांति लगाने से जमीन में दबा हुआ धन को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन यह प्रयोग केवल रवि पुष्य नक्षत्र के दिन सिद्ध किया जाता है या फिर गुरु पुष्य नक्षत्र या फिर मंगलवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र पड़े तब यह प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही मित्रों, इसके जो चौथा चमत्कारिक फायदे हैं, इसके जड़ का तिलक करने से पत्थर दिल की स्त्री भी वशीभूत हो जाते हैं, आपके प्रेम में बंध जाएंगे। इसके जड़ को कमर में बांधकर संबंध बनाया जाए तो लंबे समय तक धातु नहीं निकलता, ऐसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। इसके साथ ही इसके जड़ जो है जुआ जीतने में काफी साधक की सहायता करती है और प्राचीन समय के लोग इसके जड़ बहुत पहनते थे, क्योंकि इसके जड़ पहनने से भूत प्रेत जो टोना जादू होता है या फिर निज शक्ति बोल सकते हैं या आपके बाल भी बाका नहीं कर पाते। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कहना चाहूंगा इसके जड़ अवश्य पहनना मित्रों, ये आपको हर कार्य में सफलता प्रदान करेंगे। भूत प्रेत टोना जादू या बाहरी जो ऊपरी हवा होता है इससे आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपकी बचाव करेंगे। तो ये थे छोटी सी जानकारी, हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और अच्छे जानकारी के साथ। आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।